अनुश्वेता बिग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। साक्षी थाना क्षेत्र के बसंत टॉकीज के पास पार्किंग में मंगलवार को दोपहर बाद हुई फायरिंग में भाजपा के नेता बालीगुमा का रहने वाला सैंकी यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी राजेश सिंह और वहां केला खरीद रहे जूता दुकानदार मोहम्मद मुमताज घायल हुए हैं। आज राउंड गोली चलने की बात कही जा रही है। पुलिस ने घटना स्थल से खोखा कारतूस और एक बड़ी पिस्टल बरामद की है। राजेश सिंह ने के कान और कंधे में छर्रे लगे हैं। राजेश सिंह अपने दो अन्य साथियों के साथ बसंत टॉकीज के पास खाना खाने जा रहे थे, तभी उस पर हमला किया गया। राजेश सिंह पूर्व में भाजपा के बालीगुमा मंडल के अध्यक्ष रहे हैं। उलीडी थाना क्षेत्र के खगड़िया बस्ती में हुए सैंकी यादव हत्याकांड में राजेश सिंह को जेल भेजा गया था। अरे चल पाया कदम ये सूचना मिला कि ये साक्षी बसंत ऑफिस से आगे जो पार्किंग है वहाँ पर गोली चला था। इसी के चलते अभी लोकल थाना है, बाकी जब एसपी साहब द्वारा वहाँ पर पूछताछ की है तो ये पता चला कि राजेश सिंह नाम के तो उससे गोली चला। दो लोग चलाए हैं, ये बताया कोई बता रहे तीन लोग हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन की बात है, इन्वेस्टिगेशन क्लियर होगा तो तब हम बता पाएंगे। सर क्या लगता है कि कहीं एक गैंगा तो नहीं में भी इन दोनों के बीच में? अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होगा हम नहीं बता पाएंगे। हो सकता है आपसी रंजिश से, हो सकता है कुछ और मामला हो, लेकिन ये हम नहीं बता पाएंगे। तो कार्बाइन का यूज किया गया था क्या? नहीं, ये जो विटनेस है वो बता रहे हैं, लेकिन जब तक हम इन्वेस्टिगेशन में नहीं देखेंगे हम नहीं बता पाएंगे। साक्षी स्थित ग्रेजुएट कॉलेज की छात्राओं को बरगला कर भाजयुमो की रैली और डीसी ऑफिस के सामने हुए घेराव में ले जाया गया था। यह बात सामने आने के बाद ग्रेजुएट कॉलेज की प्रिंसिपल ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है। साक्षी थाने के दरोगा ने ग्रेजुएट कॉलेज जाकर पता लगाया कि छात्राएं क्यों और किसके कहने पर धरना प्रदर्शन में शामिल हुई थी। इस जांच में पता चला है कि ग्रेजुएट कॉलेज की छात्राओं को एक कक्षा में एकत्र कर उन्हें रैली में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया। जांच में पता चला कि कॉलेज के दो टीचर कमलेश कुमार और राकेश कुमार ने छात्राओं को रैली में जाने को उकसाया था और प्रेरित किया था। इस मामले में जांच के दौरान पहले एक कंप्यूटर टीचर का नाम आया था, लेकिन कंप्यूटर टीचर ने कहा कि वह रैली में नहीं गए थे, बल्कि दो अन्य टीचर का नाम उनसे जुड़ा है। आज साक्षी कब्रिस्तान कमेटी के प्रतिनिधि मंडल प्रचारिया महोदय से हम लोग मिले, क्योंकि कल जो फुटेज आया आप लोगों ने देखा होगा और आज प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए भी हम लोगों को देखने को मिला कि एक बड़ी तादाद में ग्रेजुएट कॉलेज की बच्चियां जो है स्कूल यूनिफॉर्म में वो नज़र आई उस प्रोटेस्ट में, जो कि एक राजनीतिक प्रोटेस्ट था पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। तो हम ये जानने गए थे, हमने सवाल पूछा प्रिंसिपल मैडम से कि क्या आप को साक्षी कब्रिस्तान की किसी गतिविधि से कोई तकलीफ है, किसी गतिविधि से आपको आपत्ति है। उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया आपके माध्यम से कि उनको किसी तरह की कोई आपत्ति या गतिविधियों से उनको कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि पूरी राजनीति ही ग्रेजुएट कॉलेज के नाम पर की जा रहा है, ग्रेजुएट कॉलेज की लड़कियों और बच्चियों के नाम पर किया जा रहा है, और कल जो हमें विथ एविडेंस हमने आज प्रिंसिपल महोदय को दिया है कि उनके कुछ टीचर्स है जो बहला फुसलाकर उन लड़कियों को लेकर गए थे उस पूरे प्रोटेस्ट में, और वहाँ ये बात स्पष्ट हुई कि कॉलेज प्रशासन इस पर जो है गंभीर नहीं है कि किस तरह के लोग उनके यहाँ किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। शैक्षिक संस्था जहाँ पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने साफ कहा कि उनको किसी भी कब्रिस्तान की गतिविधियों से कोई तकलीफ नहीं। मैम बताइएगा, जो मामला सामने आया था जिसमें कॉलेज की बच्चियां छात्रा जो है कल 100 से 150 की संख्या में प्ले कार्ड्स लेकर आम मकान तक रैली की शक्ल में गई थी, और जो कल डीसी ऑफिस में घिरा हुआ और कब्रिस्तान के विरोध में तमाम तरह के स्लोगन्स उसके हाथों में थे, क्या मामला है मैम? थोड़ा ब्रीफली। कब्रिस्तान से संबंधित कोई भी शिकायत मेरे को कभी भी नहीं रही है, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक आम छेड़खानी कभी काल कहीं भी हो जाती, किसी भी रोड में होती हो चाहे जो भी हो, एक प्रॉपर नहीं है। उस जगह कॉलेज था वहाँ भी होता तो वह भी पुलिस का सपोर्ट मांगते थे, वैसे ही यहाँ पे भी पेट्रोलिंग के लिए होती है, कोई दिक्कत नहीं। एक दो बार कभी कोई छेड़खानी हुई वो, ये कोई पर्सनल हम ये कहेंगे, कोई जैसे पागल आदमी है ना, जैसे एक ही दो लड़का, ऐसा नहीं है वो पागल जैसे है कि मान लिया कभी कोई, तो उसके खिलाफ में लड़कियों ने बहुत पहले, आज 3 महीना 4 महीना पहले की बात है, तो बच्चों ने पेट्रोलिंग के लिए, मैं कही थी आया तो पेट्रोलिंग कर रहा है। वैसे भी पहले भी मैं आते के साथ में, चूंकि यहाँ सुनसान था थोड़ा, नए हम लोग आए थे तो हम लोग बोलते थे कि भाई पेट्रोलिंग लड़कियों का कॉलेज है, वहां तो रोड पे था ना,
तो पेट्रोलिंग होती थी और कोई शिकायत मेरे को नहीं। साक्षी थाना क्षेत्र के एमजीएम अस्पताल के गेट पर मंगलवार की सुबह एक युवक ने जमकर हंगामा किया। यह युवक बाइक लेकर एमजीएम अस्पताल परिसर में घुसने की कोशिश कर रहा था, मगर जिला प्रशासन ने बाइक लेकर अंदर जाने पर रोक लगा रखी है। इसी वजह से होमगार्ड ने युवक को रोक दिया और कहा कि वह बाइक बाहर पार्किंग में लगा दे और तब अंदर जाए। इतना सुनते ही युवक भड़क गया और होमगार्ड से भिड़ गया। होमगार्ड का कहना है कि युवक ने उसके साथ धक्का मुक्की की है। इसके बाद जब होमगार्ड ने साक्षी पुलिस को फोन किया तो युवक उसे हत्या करने की धमकी देने लगा और कहने लगा कि उसकी बोटी बोटी कर काट फेंक देगा। बाद में सूचना मिलने पर साक्षी थाना की पीसीआर वैन नंबर 17 पहुंची और एसएसआई संजय कुमार ने होमगार्ड को धमकी देने वाले युवक को हिरासत में ले लिया है। जानकारी मिला 100 से कॉल हुआ कि वहां को एक कोर्ट से लड़ाई का झगड़ा कर रहा है। तो कौन लोग था और क्या नाम तो नहीं पूछे हैं? अच्छा, कितने लोग थे? लोग एक कह रहा था फोर्स के बुटी बुटी काट देंगे आप लोग को। अच्छा, लेकिन ले जा रहे हैं थाना पूछताछ करेंगे। पूछताछ करने के लिए पर्चे बता दीजिए अपना। पर्चे बता दीजिए। हमारा नाम एसआई संजय कुमार हुआ, पीसीआर 17 पर है। सेंट्रल प्रबंधक गुरुद्वारा कमेटी में रविवार को हुआ बवाल तुल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को सुबह सीजीपीसी के पूर्व प्रधान गुरुमुख सिंह मुखी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भगवान सिंह पर रविवार को हुए बैठक में बवाल करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि वह पिछले दरवाजे से सीजीपीसी का प्रधान बनना चाहते हैं। शाम को मानगो गुरुद्वारा में भगवान सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भगवान सिंह सीजीपीसी के पूर्व प्रधान गुरुमुख सिंह मुखी के खिलाफ जमकर बरसे। भगवान सिंह ने कहा कि वह किसी भी कीमत पर गुरुमुख सिंह मुखी के देख रेख में नगर कीर्तन नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि गुरुमुख सिंह मुखी किस चरित्र के आदमी हैं संगत जानती हैं। ऐसे आदमी नगर कीर्तन निकालेगा या भगवान सिंह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हंगामा हुआ, विवाद हुआ, उसी के लिए बुलाया गया है। और विवाद होने का कारण था जो पिछले 1.5 साल से जो 5 मेंबर मेरी सदस्य कमेटी को नहीं मान रहे थे, तो पता नहीं अब अचानक कैसे मानने लगे। पटना गए और वहाँ से एक लेटर लिखवा के लाए और उसमें वो भी जल्द खुलासा हुआ। लेटर कैसे लिखवाया गया वो भी जल्द समाज को पता चल जाएगा। और लेटर को यहाँ ला ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया कि जिससे समाज में विवाद पैदा हो गया। ना तो लेटर किसी को क्लीन चिट दे रहा है कि आप जो आपने गुनाह किए उसमें आपको। आज के लिए बस इतना ही। बिग न्यूज के पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।